हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जेटली के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार जेटली ली लियांजी अपने स्टेज नाम जेटली से बेहतर जाने जाते हैं। ली का जन्म 26 अप्रैल 1963 बीजिंग चीन में हुआ था और वह थे दो लड़कों और दो लड़कियों में सबसे छोटा है। उनका पुश्तैनी घर चीन के शेनयांग में है। जब वह दो साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका परिवार तब गरीबी में जीवित रहा। ली 8 साल के थे जब उनकी प्रतिभा वुशु में थी। जब उसने स्कूल की गर्मियों में अभ्यास किया तो उस पर ध्यान गया। इसके बाद उन्होंने एक गैर मुकाबला में भाग लिया और उसके बाद वुशु कार्यक्रम बीजिंग में शामिल हुए। वुशु टीम ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया ओनल चाइना गेम्स। प्रसिद्ध कोच ली जुनफेंग और वू बिन, इन दोनों कोच ने मदद के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। प्रतिभाशाली लड़के का विकास करने के लिए वू बिन ने खाना भी खरीद कर दिया। ली के प्रोटीन को बढ़ावा देने के लिए ली के परिवार के लिए मदद भी की। एक बहुत ही युवा ली ने वयस्कों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की और 1975 से राष्ट्रीय ओनल अराउंड चैंपियन थे 1979 तक। ली कहते हैं, मेरे प्रथम स्थान जीतने से काफी हलचल हुई सनसनी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मैं 12 वर्ष का था और अन्य दो पदक विजेता अपने अंतिम चरण में थे। 20 का दशक पुरस्कारों के दौरान समारोह, जब मैं शीर्ष पायदान पर खड़ा था पोडियम से, मैं अभी भी छोटा था। जेटली चीन का प्रसिद्ध व्यक्ति है। 1974 में ली 43 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, मार्शल आर्ट अभ्यासकर्ता जिन्होंने यात्रा की। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के लोगों के हिस्से के रूप में समूह ने अमेरिकी के लिए प्रदर्शन किया हवाई, सैन फ्रांसिस्को और में दर्शक वॉशिंगटन DC। ली के अनुसार एक बार एक बच्चे के रूप में जब चीनी राष्ट्रीय वुशु टीम प्रदर्शन करने गई संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लिए, निक्सन ने उनसे अपने निजी अंगरक्षक होने के लिए कहा था, लेकिन ली ने उत्तर दिया, मैं किसी की रक्षा नहीं करना चाहता व्यक्तिगत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी रक्षा करना चाहता हूं। ली वुशु की कई शैलियों में माहिर हैं, विशेष रूप से चांगक्वान और फैंजिक्वान। उसके पास भी है बघुजांग, ताई ची सहित अन्य कलाओं का अध्ययन किया, जिंगिक्वान, ड्रंकन बॉक्सिंग, ईगल क्लॉ और कीड़ा जो अपने अगले पैर को इस तरह जोड़े रहता है मानो प्रार्थना कर रहा हो। उन्होंने नानकवान नहीं सीखा, दक्षिणी मुक्केबाजी, क्योंकि उनका प्रशिक्षण केंद्रित था केवल उत्तरी शौलिन शैलियों में। उसके पास भी है जैसे वुशु के मुख्य हथियारों में महारत हासिल की संजीगुण, 3 सेक्शन स्टाफ, गन, दाव, ब्रॉडस्वॉर्ड, ज्यान सीधी तलवार। जब ली प्रतिस्पर्धी वुशु से सेवानिवृत्त हुए थे घुटने की चोट के कारण, लेकिन एक बन गए बीजिंग वुशु टीम के सहायक कोच कुछ साल। चीन में जन्मे सिंगापुर के मार्शल आर्ट कलाकार और अभिनेता है। वह कई प्रशंसाओं के प्राप्त करता है, जिसमें एक गोल्डन हॉर्स अवार्ड, एक हांगकांग फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड, एक हांगकांग फिल्म अवार्ड और एक शंघाई फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड। ली को व्यापक रूप से सबसे प्रतिष्ठित चीनी फिल्म में से एक माना जाता है, सितारे और अपनी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट सितारों में से एक। प्रशंसित वुशु शिक्षक वू बिन के साथ 3 साल के प्रशिक्षण के बाद ली ने अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता, बीजिंग वुशु टीम के लिए चैंपियनशिप। 1974 से 1979 के बीच उन्होंने मेंस ओनल का खिताब जीता, करीब 5 बार नेशनल वुशु चैंपियन। 18 साल की उम्र में प्रतिस्पर्धी वुशु से सेवानिवृत्त होने के बाद ली एक अभिनेता के रूप में उन्होंने फिल्म शाओलिन टेम्पल से अपनी शुरुआत करते हुए चीन में काफी प्रशंसा हासिल की 1982, जिसने उन्हें तुरंत पूर्वी एशिया में स्टारडम तक पहुंचा दिया। अगली कड़ी किड्स फ्रॉम शाओलिन 1984 में चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया, जांग यिमो की हीरो 2002, फिस्ट ऑन ऑफ लीजेंड 1994। पहली 3 फिल्मों में मुख्य भूमिका के रूप में सबसे उल्लेखनीय वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना सीरीज 1991-1993, जिसमें उन्होंने लोक नायक वोंग फेईहंग की भूमिका निभाई, और फियरलेस 2006, जो हुओ युआनजिया के जीवन पर आधारित है। उन्होंने अपने निर्देशन में अभिनय किया पहली फिल्म बॉर्न टू डिफेंस 1986। चीन में उनके फिल्मी करियर को वुशु को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। 1990 के दशक के दौरान हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्में और शाओलिन मंदिर को पुनर्जीवित करना, अपने करियर के दौरान नई वुक्सिया फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। एक गैर चीनी फिल्म में उनकी पहली भूमिका लेथल वेपन 4 1998 में एक खलनायक के रूप में थी,
और उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। एक हॉलीवुड फिल्म में भूमिका रोमियो मस्ट डाई 2000 में हान सिंह की थी। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है, अंतर्राष्ट्रीय एक्शन फिल्में जिनमें फ्रांसीसी सिनेमा के साथ ल्यूक बेसन निर्मित फिल्में किस भी शामिल हैं, दी अदर ड्रैगन 2001 और अनलिशेड 2005। उन्होंने दी वन 2001 और वॉर 2007 में सह अभिनय किया, जेसन स्टैथम दी फॉरबिडन किंगडम 2008, जैकी चैन के साथ दी एक्सपेंडेबल्स के पहले तीन सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ फिल्में और दी मम्मी टॉम्ब ऑन द ड्रैगन में शीर्षक चरित्र खलनायक के रूप में सम्राट 2008। वह हांगकांग सिनेमा में सक्रिय रहे, दी वॉरलॉर्ड्स 2007 में दिखाई दिए, जिसके द्वारा वह चीनी भाषा की फिल्म में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता बन गए जो पहले इस पद पर थे। हीरो में अपनी भूमिका के लिए रिकॉर्ड 2020 में उन्होंने लाइव एक्शन फंतासी में चीन के सम्राट को चित्रित किया, ड्रामा डिज्नी फिल्म मुलान। लंबे फिल्मी करियर के बाद 2007 में ली ने परोपकार की ओर रुख किया। उन्होंने वन फाउंडेशन की स्थापना की, मुख्य भूमि चीन में स्वतंत्र धन उगाहने वाला फाउंडेशन जो मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा पर केंद्रित है, राहत, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा उपचार, शिक्षा और गरीबी की समस्याएं। शुरुआत से फाउंडेशन के सदस्य ली 2008 सहित 7 आपदाओं में पुनर्प्राप्ति प्रयासों में शामिल रहे हैं, सिचुआन भूकंप, ताइवान में 2008 टाइफून मोराकोट और 2013 लुशान भूकंप यान सिचुआन। बाद में ली भी एक ऑनलाइन स्वास्थ्य और कल्याण ताइजी जेन की स्थापना की, ध्यान और में निर्देश प्रदान करने वाला कार्यक्रम ताई ची, सेटिंग डाई हार्ड और उनके दोनों चीनी फिल्म शीर्षकों के समान है। ये फिल्म है, उल्लेखनीय है कि निर्देशक वांग जिंग को जिंग में जैकी चैन के साथ काम करने का बहुत ही भयानक अनुभव हुआ था। पिछली फिल्म सिटी हंटर में उन्होंने चेउंग के चरित्र को चांद पर तीखा व्यंग्य करने के लिए चुना था। ली होगा बाद में इसमें भाग लेने के लिए चैन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। 2011 में ली की दो वुक्सिया फीचर फिल्में रिलीज हुई, द सॉर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक और फ्लाइंग ड्रैगन गेट की तलवारें। उत्तरार्ध का संचालन त्सुई हार्क द्वारा किया गया था। ताइची को बढ़ावा देने के लिए 2012 में ली ने ताइची नामक फिल्म में अभिनय किया और चैन के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। कुओफू, ली ने ताइची मास्टर यांग लुचान का किरदार निभाया। अमेरिकी पश्चिमी फिल्में 1998 में उन्होंने लेथल वेपन 4 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की शुरुआत की, जिसमें पहली बार उन्होंने अभिनय किया। कभी किसी फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी। वह निर्माता जोएल सिल्वर के बाद लेथल वेपन 4 करने के लिए सहमत हुए ने उन्हें अपनी अगली फिल्म रोमियो मस्ट डाई 2000 में गायक के साथ मुख्य भूमिका देने का वादा किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, हालांकि उस समय ली बहुत कम अंग्रेजी बोलते थे। निर्माण में चीनी माफिया हिटमैन वाह सिंह कू के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। ली ने क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन 2000 में चाओ यून फैट की भूमिका को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, उनकी पत्नी ने कहा कि वह उनकी गर्भावस्था के दौरान कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। उन्होंने की भूमिका भी ठुकरा दी, द मैट्रिक्स 3 में सेराफ। उनके इस विश्वास पर आधारित था कि भूमिका ऐसी नहीं थी जिसके लिए उनके कौशल की आवश्यकता थी, और यह कि फिल्म में कलाकारों की सूची में उनका नाम जोड़े बिना भी काफी प्रतिष्ठित और आश्चर्यजनक थी। 2000 में जब फिल्म अभी भी विकास में थी, तब उन्होंने दी ग्रीन हॉर्नेट में काटो की भूमिका भी निभाई। 2001 में यह दूसरे स्टूडियो में ले जाया गया। जब फिल्म को फिर से आगे बढ़ाया गया और 2011 में रिलीज किया गया, तो की भूमिका काटो का किरदार जय चाओ ने निभाया था। 2001 में वह दो और फिल्मों में दिखाई दिए, दी वन जो जेसन के साथ उनकी पहली फिल्म थी, स्टैथम और ब्रिजेट फोंडा के साथ किस ओन ऑफ द ड्रैगन ने बॉक्स ऑफिस पर सामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। जुलाई 2001 में ली जैकी चैन के साथ एक एक्शन फिल्म का निर्माण करने और उसमें अभिनय करने के लिए सहमत हुए। 2002 या 2003 में रिलीज किया गया, लेकिन 2006 तक उनके सहयोग की कोई और खबर सामने नहीं आई। 2002 में पीरियड मार्शल आर्ट महाकाव्य फिल्म हीरो चीनी बाजार में रिलीज हुई थी। यह फिल्म दोनों एक थी, व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता और चीनी फिल्म में सबसे अधिक कमाई करने वाली मोशन पिक्चर बन गई उस समय का इतिहास। 2003 में वह एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रैडल के लिए निर्माता जोएल सिल्वर के साथ फिर से जुड़े, टू दी ग्रेव, जहां उन्होंने रैपर डीएमएक्स और साथ ही मार्शल आर्टिस्ट मार्क डेकास्कोस के साथ अभिनय किया। 2004
ली ने वीडियो गेम जेटली राइज 2 के लिए अपनी समानता आवाज दी और मोशन कैप्चर का काम प्रदान किया। ली को सबसे पुराने एशियाई अमेरिकी थिएटर ईस्ट वेस्ट प्लेयर्स द्वारा दूरदर्शी पुरस्कार प्रदान किया गया संयुक्त राज्य 2002 में समकालीन जॉन वू द्वारा। यह पुरस्कार उन कलाकारों को मान्यता देता है थिएटर फिल्म और टेलीविजन के माध्यम से एशियाई प्रशांत अमेरिकी समुदाय की दृश्यता बढ़ाई। उन्होंने अपना स्वीकृति भाषण अपनी मूल भाषा मंदारिन में दिया। ली ने 2005 की फिल्म अनलीशेड उर्फ डैनी दी डॉग में अधिक गंभीर भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक बच्चे की मानसिकता वाले एक वयस्क को चित्रित किया गया है जिसे एक जानवर की तरह पाला गया है। हालांकि उसका मार्शल आर्ट कौशल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, ये पहले से कहीं अधिक गहराई वाली एक गंभीर फिल्म थी, पहले ली की फिल्मों में देखा गया था, और नाटकीय अभिनेता बॉब हॉस्किंस और मॉर्गन फ्रीमैन ने सह अभिनय किया था। 2006 में मार्शल आर्ट फिल्म महाकाव्य फियरलेस दुनिया भर में रिलीज हुई थी। हालांकि वह जारी रहेगा मार्शल आर्ट फिल्में बनाए, फियरलेस उनका आखिरी वुशु महाकाव्य है। फियरलेस में उन्होंने हुओ युआंजिया की भूमिका निभाई, जिनसे उनकी दो बेटियां हैं सी और तैमी। फिल्मांकन के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेत्री नीना लीची से हुई ड्रैगन फाइट 1989 और 1990 में हुआंग को तलाक दे दिया। 1999 में ली ने अर्काडिया में अपने विला में नीना से शादी की कैलिफोर्निया, जिसका स्वामित्व उनके पास 1998 से 2004 तक था। दंपति की दो बेटियां हैं जेन जन्म 2000 और जैडा जन्म 2002। ली को चीनी वुशु एसोसिएशन द्वारा वुशु के छवि राजदूत या IWF के रूप में नियुक्त किया गया था बीजिंग में 2007 विश्व वुशु चैंपियनशिप में राजदूत। अप्रैल 2009 में ली ने अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग दी, जो उन्होंने 1997 में प्राप्त किया था। उसके बारे में सोचा गया था सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर ली है। हालांकि सिंगापुर के अधिकारियों ने शुरू में कोई नागरिकता प्रदान नहीं की थी इसकी पुष्टि। जुलाई में वन फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष ने घोषणा की कि ली के पास है वास्तव में सिंगापुर के नागरिक बने। कहा जाता है कि ली ने अपने दो छोटे बच्चों के लिए सिंगापुर को चुना था। बेटियों की शिक्षा के लिए उसी वर्ष उन्होंने अपना स्वयं का फिटनेस कार्यक्रम वुजी लॉन्च किया। इसमें मार्शल आर्ट, योग और पिलेट्स के तत्व शामिल हैं। और एडिडास ने एक विशेष कपड़ों की लाइन लॉन्च की है, इसके लिए जिस पर जेल के शुरुआती अक्षर अंकित हैं। 2013 में ली ने खुलासा किया कि वह हाइपरथायराइडिज्म से पीड़ित हैं और इस समस्या से जूझ रहे थे पिछले 3 साल से। 2016 में ली ने कहा कि वह अपने चैरिटी कार्य के कारण कम फिल्मों के प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं उसकी बीमारी के बजाय, जिससे वह ठीक हो गया थे। ली को बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलना, साइकिल चलाना, खाली समय में पढ़ना और ध्यान करना पसंद है। वह दुर्लभ तिब्बती मोतियों का संग्रह करता है। ली ने कहा है कि वह अपने खाली समय में कभी बोर नहीं होते हैं। एक बौद्ध के रूप में ली का मानना है कि रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों को मदद से दूर किया जा सकता है, धार्मिक दर्शन टॉर। वह सोचता है कि प्रसिद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वह नियंत्रित कर सके, इसलिए वह करता है इसकी परवाह नहीं। मैं अपने आप से कभी नहीं कहता कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। अगर कोई मार्शल आर्ट सीखता है केवल सड़क पर झगड़े मोल लेने के लिए, संघर्षों में मुख्य हथियार के रूप में इसका सहारा लेने के लिए, इसका उपयोग दूसरों को धमकाने और डराने के लिए करें, मेरी राय में वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। ली के अनुसार वह सब कुछ जो वह दुनिया को बताना चाहते थे वह उनकी 3 फिल्मों में पाया जा सकता है। द हीरो का संदेश यह है कि एक व्यक्ति की पीड़ा कभी भी एक व्यक्ति की पीड़ा जितनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। राष्ट्र अनलिशेड दर्शाता है कि हिंसा कभी भी समाधान नहीं है, और फियरलेस सबसे बड़ा दुश्मन बताता है एक व्यक्ति का स्वयं है। ली का मानना है कि सबसे बड़ा हथियार मुस्कान है और सबसे बड़ी ताकत प्यार है। वुशु के बारे में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि मार्शल आर्ट का सार शक्ति या गति नहीं बल्कि आंतरिक है, सद्भाव, और इसे एक दुखद विकास मानते हैं कि आज की वुशु चैंपियनशिप को बेहतर स्थान मिला है एक मार्शल आर्टिस्ट होने के सार की तुलना में फॉर्म पर जोर देना। उनका मानना है कि वुशु में अब कमी है, व्यक्तित्व और प्रतिस्पर्धी मशीनों की तरह चलते हैं, जबकि उनके विचारों के अनुसार वुशु को ऐसा करना चाहिए, इसे ऐसी दौड़ नहीं माना जाएगा जहां सबसे तेज एथलीट जीतता है। वह वुशु को एक रूप में देखना चाहेंगे, कला, जहां कलाकारों की एक विशिष्ट शैली होती है।
ली इसके लिए नए प्रतिस्पर्धा नियमों को दोषी मानते हैं। उन्होंने मार्शल आर्टिस्टों पर सीमाएं लगा दी। ली का मानना है कि वुशु मुख्य रूप से आत्मरक्षा के लिए नहीं है और इसके बजाय वह नायक लोगों की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में सोचना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को बुलाना चाहिए। एक बंदूक एक सेकंड में वर्षों के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण को मात दे देती है, जैसा कि मैंने किया है। पहले भी कई बार कहा गया है कि फिल्मों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है और वास्तविकता। फिल्मों में नायक अपनी बंदूक से गोली चलाने में सक्षम हो सकता है, प्रतिद्वंद्वी और दिन बचाएं, लेकिन वास्तविक जीवन में शायद ऐसा नहीं है मामला। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें वास्तविक जीवन की लड़ाई में कभी भी अपने मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग नहीं करना पड़ा है और वह ऐसा करते हैं, मैं भी नहीं चाहता। 1995 गोल्डन हॉर्स फिल्म फेस्टिवल विशेष पुरस्कार जीता। 1999 एमटीवी मूवी अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ खलनायक घातक हथियार 4 नामांकित। 2001 सर्वश्रेष्ठ लड़ाई रोमियो को अवश्य मरना चाहिए नामांकित। 2002 एक नामांकित। 2003 क्रेडल टू द ग्रेव नामांकित। 2006 100 फ्लावर्स पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता निडर मनोनीत। 2007 हांगकांग फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी पुरस्कार जीता। हांगकांग फिल्म पुरस्कार मनोनीत। 2008 सरदारों जीत गया, शंघाई फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार जीता। एशियाई फिल्म पुरस्कार नामांकित। 100 फूल पुरस्कार नामांकित चीन का सिनेमा, हांगकांग का सिनेमा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।